हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लास से धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला, हर वो रेलवे स्टूडेंट को ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। हर वो रेलवे स्टूडेंट जो तैयारी करें उसके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी तक 4-5 सालों से रेलवे में वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे लोग इस इंतजार में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं रेलवे की कि उनको वैकेंसी आएगी तो कहीं ना कहीं उनको जॉब मिलेगा। लेकिन आपको भी पता है रेलवे में वैकेंसी रिक्त है, वैकेंसी आ रही है लेकिन आप लोगों को दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब कि रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की पूरी मंशा जो है ना, पूरी निहत ही एकदम खोट है, ठीक है। कैसे खोट है मैं बताता हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे, एक दो दिन पहले रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियाँ लाई गई हैं, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया, ठीक है। वो स्टूडेंट को नहीं दिया जा रहा है, वो किसको दिया जा रहा है, एक्स सर्विसमैन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दिया जा रहा है जनरल मैनेजर के द्वारा। मतलब जनरल मैनेजर जिनको चाहेंगे एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट को दिया जा रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है। तो सोचो अभी गेटमैन का, तो समझो कि ये ग्रुप डी के वैकेंसी जो 20,000 अभी नहीं आई है, वो वैकेंसी एक सर्विसमैन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है बिना एग्जाम्स का। तो क्या रेलवे के पास वो एबिलिटी नहीं है कि जो अभी आप रेलवे में 1,00,000 पदों के लिए एग्जाम लिए थे उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो जिनका पीटी निकल गया लेकिन थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गए थे, तो उनमें तो इतनी एबिलिटी है, यंग एनर्जेटिक लड़के हैं। आप यही वैकेंसी 20,000 को उसमें ऐड करके उन लड़कों को लेते तो आपके पास फ्रेश कैंडिडेट मिलता है ना, पीटी क्वालिफाई हुआ कैंडिडेट मिलता है ना। और उसमें एक सर्विसमैन का भी कुछ सीट रखते हैं तो एक सर्विसमैन भी जो रहता रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। लेकिन रेलवे ने ऐसा नहीं किया, वो सभी वैकेंसी 20,000 को क्या कर दिया है, जनरल मैनेजर के हाथों में दे दिया कि भैया तुम जो उनके हो अपने से रिक्रूटमेंट करो, जैसे तैसे घूस लो, जो करो सेटिंग करो जिनका है ना, तो वो सब करो। तो समझो इसे रेलवे के क्या मंशा। और बात करते हैं इससे पूरी तरह से देखने को, और बहुत सारे लोग भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट हैं ये भी कमेंट करते हैं जिनका ITI कंप्लीट नहीं, डिप्लोमा कंप्लीट नहीं, कि रेलवे की अगली नेक्स्ट ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। तो देख लो ग्रुप डी का यही हाल है, ग्रुप डी की वैकेंसी आई है मेरे दोस्त लेकिन आपके लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये उनको सीधा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर दिया जा रहा है। मतलब समझो गेटमैन का 20,000 यहाँ मायने रखता, तो 20,000 ये ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती इनको अभी इन्होंने निपटा लिया, बोला हट यार ये स्टूडेंट को क्या देंगे। तो समझो ये स्टूडेंट विरोधी है रेलवे, क्यों विरोधी, क्योंकि 20,000 का उसमें से स्टूडेंट्स को भी दिया जा सकता था, चाहे अभी जो 10,000 1,00,000 भाली तो उसमें भी ऐड किया जा सकता था नेक्स्ट भाली में दे सकता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सोचो, और ये बोलते हैं एक तरफ कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी ग्रुप सी में, अरे ग्रुप सी में आप क्या करोगे, ग्रुप डी के जो कैंडिडेट है ना वो प्रमोशन लेकर ग्रुप सी में अपने आप चले जाएंगे। तो ग्रुप सी में करने का इनका बहाना है कि ग्रुप डी के पदों को ये ठेकेदार के द्वारा करें चाहे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा करवा करके बहुत कुछ को दे देंगे, ठीक है, और कुछ जो होगा कि रखेंगे है ना। तो ये इनका मकसद है पूरा, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करने का है ताकि कम से कम इनके ऊपर बोझ पड़े और रोजगार बेरोजगार जो युवा है वो बेरोजगार ही रह जाए, ठीक है, वंचित किया जा सके। तो मेन ये मकसद इनके पीछे का, ठीक है, बहाली है, वैकेंसी भी है, लेकिन ये तरीका सोच रहे हैं कि डायरेक्ट अब रोजगार लोगों को ना दे, इसको कैसे निपटाया जाए, प्राइवेटाइजेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में कैसे सीटों को कन्वर्ट तब्दील किया जाए। अगर इनका यही मकसद रहता ना, लोगों को रोजगार देने के लिए रहने, तो 5 साल से वेट नहीं करते, वैकेंसी धड़ाधड़ निकलती, RPF में निकलती, JEE में सीट निकलती, नोटिफिकेशन निकलती, लेकिन सोच रहे हैं यार कि इतना लोगों को क्यों मैं रोजगार दूं, यार इतना पैसा क्यों खर्चा करूं, बेरोजगार युवा बेरोजगार है, रहने दो, हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो समझो इनके पीछे यही मकसद है ना, इसीलिए अभी तक इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली। हाँ, वैकेंसी तो आएगी, अभी चुनाव आने दो, जैसे बस चुनाव जैसे आएगा नज़दीक एकदम धड़ाधड़ वैकेंसी निकलेगी, फिर उसको लंबी प्रक्रिया 6-7 महीने मतलब कि 4-5 साल उनको खींचा जाएगा, ज्वाइनिंग उनको लेट से दिया जाएगा ताकि उनको दोनों काम हो जाए, आप इधर भी काम निपटा लो उधर भी लोगों को भी रिझा करके चुनाव जीत जाओ, ये करने का इनका मकसद है, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही बुरी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप स्टूडेंट हो, इस चीज़ को गौर से सोचना, ठीक है, और आपकी क्या राय है इस पर, इस चीज़ को भी आप लोग बताना, ठीक है। और ये रेलवे की जो मंशा है ना एकदम निहत में बहुत ज़्यादा ही खोट है, रेलवे के जो है स्टूडेंट के प्रति एकदम अच्छी सोच नहीं है, बहुत ही बुरी सोच है। क्योंकि यार 20,000 भर्ती आई थी उसको आप कर सकते थे, ठीक है, ये नई भर्ती में ऐड कर सकते थे, आपको फ्रेश कैंडिडेट भी मिलते, जो रनिंग करके जिनका नहीं रहा वो भी कैंडिडेट मिलते, एक सर्विसमैन का भी प्रावधान मिलता, उनको भी फिक्स करके दिया जाता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपना काम चलवा लिए, ठीक है। तो समझो इनसे इसकी क्या मंशा झलकती है, ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं ना ग्रुप डी का, तो देखो ग्रुप डी का क्या हाल होने वाला है। और इसीलिए तो इन्होंने कहा था ग्रुप डी का जो बहाल, इसीलिए बहुत से देखो ये लोग बहुत तेज हैं यार, मतलब हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ इनके पीछे रीज़न ज़रूर रहता है। इन्होंने क्या बोला था पिछले मतलब एक दो साल पहले, ग्रुप डी की जो बहाली है उस पर ITI कैंडिडेट को हम लोग देंगे, तो ये लोग ऐसे ही कोई चीज़ नोटिस नहीं निकालते हैं, जानते हैं कि कुछ ना कुछ ये करेंगे ताकि लोग बाद में उस चीज़ का विरोध ना करें, ठीक है, इनका यही मकसद रहता है, ठीक है। तो यह कहाँ तक अच्छा फैसला है इनका आप लोग बताना, ठीक है। और ये जो 20,000 था ना, 20,000 ये ऐड किया जा सकता था, ये नेक्स्ट बहाली में भी दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। चलिए वीडियो को ही रखते, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था ताकि आप लोग भी सोचो इस पर बातों पर है ना, और आपकी कमेंट क्या है वो ज़रूर हम लोग को बताएं।
चलिए वीडियो कहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।